सब लोग सावधान। आज तुम्हारा मिशन है एक कीड़ों की कॉलोनी को खोजना और उसे खत्म करना। जानकारी मिली है कि ये एक लेवल 2 मिशन है। इसका मतलब कि हमारा मुकाबला करीब 1000 कीड़ों से होगा। हम जानते हैं हमें क्या करना है, सबको खत्म करना है। ओ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो बताओ प्लान क्या है लेफ्टिनेंट? जी सर। जियो, पहली टीम जाते ही लैंडिंग जोन सुरक्षित करेगी। कमाचो, हम कीड़ों की कॉलोनी का एंट्रेंस ढूंढेंगे सर। 101, उन पर गैस का हमला करेंगे, उससे कीड़े मरते हैं मगर हमें कुछ नहीं होता। बाबा, अरे बाप रे, वो तो मैं ही हूँ। न्यूक्लियर अटैक, लॉन्चर को तैयार करो और पर अभी नहीं। डच, मैं और मेरी जाने मन सब संभालेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। ईगल 1 टेक ऑफ के लिए तैयार। अपनी ट्रेनिंग याद रखना और प्लान के मुताबिक ही चलना, सब समझ गए? उनके छक्के छुड़ा देंगे। तो तैयार हो जाओ। शौक से चलो कर दिखाए। तो चलें जाने मन। ईगल 1 लैंड करेगी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। This movie is encoded by Toon World for all.me. अरे ये तो कम ही नहीं होते। क्या प्रॉब्लम है लेफ्टिनेंट? चलो मारो उन्हें। अपनी अपनी जगह पर आओ जल्दी। आप क्या करें? ये क्या है? अभी डरने का वक्त नहीं है जवान, मेरे पीछे आ जाओ। मिसाइल तैयार है। क्या बात है? कमाचो, तुम्हारे पीछे। कमाचो, कर्नल रिको। पीछे हटो, एक साथ रहो। अरे नहीं, इन्होंने हमें फिर से घेर लिया। गैस बम की बारी। ये क्या किया? गैस के जाने का इंतजार करो, पीछे हटो। कर्नल रिको, सर आप कहाँ हैं? ये कौन था? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेफ्टिनेंट, इंफ्रारेड का इस्तेमाल करो और अपना सिर नीचे रखो। मेरा इंफ्रारेड, ओ हाँ, ये रहा।
वो तुम्हारा इंफ्रारेड नहीं था लेफ्टिनेंट। तो वो क्या था सर? वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। दरअसल सर एक बात बताओ, ये कीड़े हमेशा मुझे ही नोच क्यों खाते हैं? कीड़ों को शायद तुम टेस्टी लगते हो दोस्त। कर्नल किसी ने हमें बताया नहीं कि ये एक जाल था, ये गलत बात है। एक राज की बात बताता हूँ तुम्हें लेफ्टिनेंट, जंग में कुछ सही नहीं होता और सब कुछ एक जाल होता है। अपने प्लान्स कैंसिल कर दो ट्रूपर्स, हम ये कल फिर करेंगे। माफ कीजिएगा सर, शायद आप भूल गए, कल एयर डे है, हम फिल्टर्ड मार्टिन एयर की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। एयर डे? हाँ सर, हमारे लिए ये टेराफॉर्मिंग बहुत मायने रखता है, ताजा हवा का महत्व एक मार्टिन से ज्यादा किसे पता होगा सर। मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शियन नहीं है लेफ्टिनेंट, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स मानते हैं, समझ गए? समझ गए सर। कल इसी वक्त मिलेंगे ट्रूपर्स, डिसमिस्ड। ये सब क्या था? तो बताओ वो नए मार्शल ट्रूपर्स कैसे हैं? तुम तो सब देख ही रहे हो, तुम जानते हो। यकीन मानो सब देख रहे हैं। फेडनेट पे इससे ज्यादा मजेदार वीडियो शायद ही होगा। मैंने लॉस्ट पेट्रोल बुलाता हूँ, मन करता है इन्हें कीड़ों को खिलाकर नई टीम बनाऊं। इन मार्स के किसानों के बच्चों से कितने उम्मीद रख सकते हैं? ये बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इतनी शांत जगह पर क्यों भेज दिया फेडरेशन ने। रुको, इसका जवाब मत देना। वो मेरी जिंदगी नर्क बना सकते थे, क्योंकि मैं एक लौता ऐसा कमांडिंग ऑफिसर हूं जिसने एक एराकनिड क्वीन को टेरेन तक पहुंचने दिया। अपने आप को इतना दोष मत दीजिए कर्नल, अगर आप वो ट्रिगर दबा देते तो हम सब मारे जाते। शुक्रिया रैचस, मुझे उन यादों को भूलना होगा। कॉफी पियोगे क्या? पर आप ये तो देखिए। कॉलोनियल ड्यूटी हर किसी के बस की बात नहीं है, पर मार्स एक अच्छी जगह है कुछ दिन आराम करने के लिए। क्या तुम्हें लगता है मुझे आराम पसंद होगा? किसी कीड़ों के प्लैनेट पर भेज देते हैं, वहाँ कुछ तो काम करता। मार्शियंस आराम की जिंदगी पसंद करते हैं, आप जानते हैं अगर वो फेडरेशन से अलग हो गए तो वो कीड़ों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना बंद कर देंगे। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों ये देखो, मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शल्स नहीं है लेफ्टिनेंट, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, समझ गए? और मेरे ऑर्डर्स हैं सभी अपने कमरे में बैठो और बिल्कुल भी मस्ती मत करो। सही बात है, असली ट्रूपर्स एयर डे भी नहीं मनाते, असली ट्रूपर्स सांस भी नहीं लेते। वैसे लोग जो कहते हैं वो शायद सच ही होगा, मार्शियंस वाकई अकलमंद नहीं होते। जब मैं स्कूल में था तब लोग मेरे बारे में भी यही कहते थे। तुम पागल हो। ये पागल है, देख लो चाहिए ना। तुम सब पागल हो, तुम हमेशा सही कहते हो। मार्शियंस और उनकी बेकार ताजा हवा, मुझे तो इस हवा से सिर दर्द हो रहा है। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? हम एक ही उसी पर एक बड़ा हमला करने जा रहे हैं। क्या बात है, ये बात क्या है रिको, तुम्हें जाने नहीं मिला इसलिए बुरा लग रहा है? मैं एक ट्रूपर हूँ, मुझे लड़ना पसंद है। डे है पर मार्च की हवा में एक अलग ही बात है। देर रात तक चलने वाली पार्टीज के अलावा मार्च के लोग इस दिन के जरिए मार्च की आजादी की भी बातें करते रहे हैं।
हाल ही में हुए रिसर्च के अनुसार 3 में से 1 मार्शियन इस लड़ाई से थक चुका है, जिसे मार्स का कोई लेना देना नहीं, और 73% लोगों ने कहा है उन्हें बियर पीना पसंद है। वाह, लगता है मार्स पर तो मजे चल रहे हैं, पर मजे बच्चे करते हैं। 26 की उम्र में स्नैप फेडरेशन की सबसे युवा स्काई मार्शल हैं। फेडरल साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि वो शायद आज तक की सबसे होशियार मार्शल हैं। जंग के वक्त या तो तुम लड़ाई का हिस्सा होते हो या फिर मुसीबत होते हो। तो क्या आपको लगता है कि बाकी फेडरल कॉलोनीज भी आजादी की मांग कर सकती हैं? नहीं, मार्स की बात अलग है, जहां लोगों के अहंकार और उनकी स्वार्थी सोच ने उनकी नैतिक जिम्मेदारियों पर प्रभाव डाला है। एक आखिरी सवाल हमारे युवा दर्शकों के लिए, स्काई मार्शल, क्या आप कभी भी किसी बारे में गलत हुई हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। और जानना चाहेंगे आप? AQZ को करारा जवाब देने के लिए स्काई मार्शल स्नैप ने कीड़ों पर एक पूरी फ्लीट के साथ हमला किया है। आज क्लंदातु इन्वेजन को 20 साल पूरे हुए हैं। शायद इस बार ये मिशन पूरी तरह से फेल नहीं होगा। कुछ और जानना चाहेंगे आप? इंटरस्टेलर फ्लाइट 103 जिनीवा के लिए 51 नंबर गेट से बोर्ड कीजिए। कार्मेन, कार्मेन। स्टेटस रिपोर्ट, कोड रेड +1 गिनती जारी है। काफी कोहरा है वहाँ। कार्मेन, 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 कार्ल बोल रहा हूँ। कार्ल, आप ठीक है मैम? लैंडिंग पर ध्यान दो। देखो, अब मैं जो कुछ भी कहने वाला हूँ वो एक राज है, तो बात मत करना। अगर तुम मेरा दिमाग पढ़ सकते हो तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि मैं कितनी बिजी हूँ। कार्ल, प्लाज्मा से हमला हो रहा है, एक दूसरे से दूर रहो और ब्लास्ट से बचो। सिर्फ तुम ही हो जो अब मदद कर सकती हो कार्मेन। अब इस बार क्या हुआ? तुम्हें जॉनी तक एक मैसेज पहुँचाना है। जॉनी तो मार्स में है ना, और तुम उसके ज्यादा नजदीक हो। पर मैं सिर्फ तुमसे इस तरह से बात कर सकता हूँ। हाँ, जॉनी है भी मोटी खोपड़ी वाला। हाँ, एक मिनट रुको। कार्ल, प्लाज्मा हमारी तरफ आ रहा है। ऊंचाई बनाए रखो। ओके, तो अब सुनो। तो तुम चाहते हो कि मैं एक ही उजी में अपने मिशन को छोड़कर मार्स पर जाऊँ, वो भी अभी? जिनीवा के लिए फ्लाइट 103 की बोर्डिंग शुरू हो। अभी जाना बेहतर होगा। क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर बात क्या है? नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम्हें पता ना हो। इशिजुका पर सीधा हमला हुआ है, भारी नुकसान पहुंचा है। हाँ, क्यों बताओगे, तुम्हें ये खेल पसंद है। तुम बिल्कुल नहीं बदले है ना कार्ल? नहीं, और ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। तुम्हें जॉनी को ढूंढना होगा। एमी स्नैप मार्स से बहुत परेशान है और तुम अच्छे से जानती हो कि वो कैसी। मोबाइल इन्फेंट्री उतरने के लिए तैयार। मोबाइल इन्फेंट्री उतरने के लिए तैयार। आपकी यात्रा सुखद हो सर। शुक्रिया। तुम कुछ तो जरूर छुपा रहे हो कार्ल। हाँ, जानता हूँ, अगर मार्स की सच्चाई कभी बाहर आती है तो फेडरेशन तबाह हो जाएगी। क्या सच्चाई इतनी बुरी है? 6 यूनिट्स उतरने के लिए तैयार हैं। हाँ, मुझे अफसोस है। रुक जाओ। खैर, जो भी हो, गुड लक। क्या बस गुड लक? हाँ, हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। दोनों हाथ ऊपर रखो। ये मेरे दिमाग पर हमला। तो तुम जाओगी ना? पर वो मुझे मिलेगा कहाँ? मार्स के रेगिस्तान में कहीं वेलमेरिनरिस के आसपास। PSI की तरफ से हेलो। कार, oh.
तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। कार्ल, कार्ल, जेंकिंस हमारी कस्टडी में है। ऑर्डर्स का इंतजार है। इसे सुला दो। तुम्हें देख लूंगा एमी। सिमुलेशन, गाय का सिमुलेशन। पता है कीड़े भी अपनी गलतियां नहीं दोहराते। शायद हमें किसी आसान मिशन से शुरुआत करनी चाहिए सर। हॉट LZ-1 आसान मिशन ही है लेफ्टिनेंट। अगर तुम्हें कीड़ों के बच्चों को दूध पिलाना है तो अलग बात है। शायद एक जीत हमारा मनोबल बढ़ा सकती है। वो क्या है? प्लाज्मा वाले कीड़े। ये हो क्या रहा है मार्स पर कीड़े? ये ट्रेनिंग का कोई नया तरीका है सर? नहीं, ये असलियत है ट्रूपा। सबको आर्मर पहनने के लिए बोलो जल्दी। जी सर। क्या हालात है? सतह पर कीड़े पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं और उनके साथ प्लाज्मा कीड़े भी हैं। हाँ, वो तो पता चल गया। इसे लेवल 4 का इन्फेस्टेशन करार दिया गया है। सेकंड मास मोबाइल इन्फेंट्री को भेज दिया गया है और वो उनसे लड़ रही है। लेवल 4, इसका मतलब जानते हो? ये सतह के कुछ वीडियोस हैं। फेडरेशन से हमारा संपर्क टूट चुका है सर। यहाँ तो हम मारे जाएंगे। जल्दी से शिप को खाली करना शुरू करो। जी सर। लाइट वे पर प्लाज्मा अटैक हुआ है। मैं लॉस्ट पेट्रोल को लड़ने नीचे ले जा रहा हूँ। तुम उन मार्शियन बच्चों के साथ जाओगे? पागल हो गए हो तुम। किसी ना किसी को तो उन कीड़ों को रोकना होगा। हमने ट्रेनिंग की है और आज कयामत का दिन है। तुम तो लड़ाई का नाम सुनते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ते हो रिको। चलो मैं भी आता हूँ। राचास, उठो जल्दी। जहाज की सुरक्षा खतरे में है। इमरजेंसी सिस्टम शुरू कर दिए गए हैं। तुम्हारा स्टेटस क्या है लेफ्टिनेंट? पावर सूट्स पहन लिए हैं सर। सावधान, सबको यहाँ से निकालो। स्टेशन कभी भी फट सकता है। माफ करना सर, क्या आप दोबारा कह सकते हैं? इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है। सबको शिप पर ले चलो। इवैक्यूएशन कीड़ों का आखिरी वक्त आ गया है। ये नहीं हो सकता, हम तो मरने वाले हैं। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है लेफ्टिनेंट। कोई चाहता था कि मैं यहाँ रहूं और वो जो भी था जानता था कि मार्स पर कीड़े हैं। कर्नल रिको, लॉस्ट पेट्रोल, आज मौका है खुद को साबित करने का। हम मार्स की जमीन पर जाएंगे अभी। मार्स तुम्हारा घर है ट्रूपर्स, और आज उसे तुम्हारी जरूरत है। जो कीड़ा दिखे उसे मारो और अपने प्लैनेट को आजादी दिलाओ। हाँ सर। ट्रेनिंग हो चुकी ट्रूपर्स। सर्जेंट मेजर रैटसास हमारे साथ चलेंगे। ये तो बहुत बड़े लेजेंड हैं। तो चलो कर दिखाएं। तो ट्रूपर्स, लड़ने के लिए तैयार हो? हूहा! ड्रॉपशिप की ओर चलो। जल्दी चलो ट्रूपर्स। अपने सूट को 0 प्रेशर पर सेट कर लो ट्रूपर्स। रेडियो 10, सबको आवाज आ रही है? ओके। 101 ओके। कमांडो ओके। डच ओके। जियो ओके। कर्नल रिको, हालात खराब लग रहे हैं। चलो चलो जल्दी करो, जल्दी शिप के अंदर। हमें यहाँ से निकालो। जी सर। इस हैंगर का दरवाजा नहीं खुल रहा है, आगे नहीं जा सकते। हम रुकेंगे सिर्फ तब जब मैं कहूँगा। सब शिप पर आ गए? जी सर।
कर्नल, कोई फायदा नहीं है, हम फंस चुके हैं। शायद ये काम नहीं करेगा कर्नल। बिल्कुल काम करेगा, मेरे सूट को तुम्हारे वेपन सिस्टम से जोड़ो। ठीक है, तैयार, फायर। चलो आगे बढ़ाओ। ट्रेनिंग याद रखना ट्रूपर्स, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये शिप क्रैश होने वाली है सर, क्या आप कूदने के लिए तैयार हैं? हम कूदने वाले हैं। वक्त आ चुका है ट्रूपर्स, हम पीछे के दरवाजे से कूदेंगे। मर्जी तुम्हारी है, यहाँ बैठे बैठे मरो या बाहर मैदाने जंग में मरो। रिलैक्स, आज मरने के लिए अच्छा दिन है। बात यह है कि सिर्फ 88% लोग ही नीचे पहुंच पाते हैं। देखते हैं हम में से कौन बचता है। हम जमीन से करीब 500 मीटर ऊपर हैं। रेट्रो स्टार्ट करो, 3, 2, 1। एक बार करते हैं तो बार बार करने का मन करता है। बिल्कुल पिज्जा खाने जैसा, उससे भी बेहतर। पर पिज्जा से बेहतर नहीं है। मोबाइल इन्फेंट्री में तुम्हारा स्वागत है। अब बकबक बंद करो और कीड़ों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप क्या बोल रहे हैं सर? नीचे देखो लेफ्टिनेंट, जमीन पर तो हर जगह कीड़े ही हैं। आप क्या करें सर? गोलियों से खून दो। सबको मार दो ट्रूपर। लैंडिंग के लिए एक जगह खाली करो। फॉर्मेशन में रहो, जहां हो वहीं रुको। लेफ्टिनेंट यहां पर आओ। नहीं आ सकता सर, बहुत ज्यादा कीड़े हैं। ठीक है, बस अपनी जगह बनाए रखो। लेफ्टिनेंट बाबा, नियो के इस्तेमाल मत करना। अब कहो कर्नल, मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हारी बाई तरफ 800 मीटर दूर। अरे यार, रीलोड। मैं भी पहले, मैंने बोला। तुम ठीक तो हो? लगता तो है। राजसास, क्या खबर है? लेफ्टिनेंट जाओ, सर्जेंट मेजर का पता लगाओ। जी सर। कर्नल ये देखिए, इन्हें क्या हो गया? अभी पता करता हूं। सर्जेंट मेजर, लगता है इनके सूट का सील टूट गया और ये स्पेस में जम गए। सलामी देंगे। लॉस्ट पेट्रोल, अभी काम बाकी है। और भी कीड़े आ रहे हैं। तो,
थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करो। अपनी पोजीशन पर आओ, मेरे पीछे आओ। प्लाज्मा वाले कीड़े, अगर आज रात इन्हें खत्म नहीं किया तो सुबह तक ये मार्स पर कब्जा कर लेंगे। सिग्नल तोड़ो तो सैटेलाइट फोटो ले लेता है, पर फेडरेशन को ये नहीं दिखा। हाँ, ऊपर से किसी ने बहुत बड़ी गलती की है। न्यूक्स तैयार है? लेफ्टिनेंट, तुम्हें मेरे टारगेट कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं? यस सर। कमाचो आ गया। फायर करने के लिए तैयार? मैं भी तैयार हूँ। टारगेट सामने है। मैं भी तैयार हूँ। मैं भी। तीन, दो, एक। ये रैजस के नाम। फायर। दिखा दो मास से उलझने का अंजाम। पीछे हटो ट्रूपर्स, रेट्रो इस्तेमाल करो। रॉकेट फ्यूल पर ध्यान रखना। कमाल की लैंडिंग थी। संभालो अपने आप को लेफ्टिनेंट। धमाके के लिए तैयार। हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया ना? हाँ, और अब उनके दोस्त आएंगे हमारी खातिरदारी करने। रेस्क्यू शिप कब आने वाली है सर? क्या तुम उनके भरोसे बैठे रहना चाहते हो? चलो मेरे साथ। मेरा मतलब वो हमें बचाने के लिए कोई ना कोई मदद तो भेजेंगे ना सर? हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाँ? अल्फा स्क्वाड में आधे मारे जा चुके हैं, डेल्टा स्क्वाड वापसी की तैयारी में। मुझे तो ये मिशन नहीं खुदकुशी लगने लगी है। कैप्टन, फेडनेट ने मार्स पर कीड़ों के हमले की खबर बताई है। कीड़ों ने पूरे ग्रह पर कब्जा कर लिया है। क्या कैप्टन, फेडरेशन की दो स्टारशिप्स हमारी तरफ आ रही हैं। रिपोर्ट। आईडी पता नहीं चल पा रहा है। जॉन ए. वार्डन, हम स्पेशल ब्रांच से हैं। स्पेशल ब्रांच से? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कैप्टन कार्मेन इबानेज, आपको इस शिप की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाता है। अपनी कमांड छोड़ दीजिए और शिप हमारे हवाले कर दीजिए। ये सब हो क्या रहा है? किसने दिए हैं ये ऑर्डर्स? स्पेशल ब्रांच किसी को जवाब नहीं देती, पर अगर ऐसा नहीं किया तो ये फेडरेशन के साथ गद्दारी होगी। सरेंडर कीजिए वरना हम अटैक करेंगे। उनकी शिप भी हमारी जैसी है मैम। फिर तो ये अच्छी बात है। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। कार्ल, पता नहीं क्यों पर तुम पर भरोसा कर रही हूँ। जॉनी वार्डन भागने की कोशिश कर रही है सर। इसका दिमाग खराब हो गया है। फायर करो। घबराओ मत, वो हमें छू भी नहीं पाएंगे। हम उनके ब्लाइंड स्पॉट में हैं। बेकार डिजाइन है। कैप्टन, हमारी स्पीड कम हो रही है और हम गिर रहे हैं। हाँ जानती हूँ, मेरे इशारे पर मेन थ्रस्टर चलाना। हम इनसे बचते हुए सीधे मार्स के लिए रवाना होंगे। मार्स के दृश्य हमें एक रोमांचक कहानी बता रहे हैं। हमारी एक छोटी सी ट्रूपर्स की सेना और लाखों कीड़ों के बीच जंग चल रही है, और फिर अचानक मार्स पर अंधेरा छा गया।
फेडरल साइंटिस्ट का मानना है कि एक कीड़ों से भरा उल्का पिंड तकरीबन 3 साल पहले मार्स की जमीन पर आ गिरा था। ऑफिशियल्स ने अभी तक कोई खबर जारी नहीं की है। हम नहीं जानते कि मार्स के निवासियों में से कोई भी उन कीड़ों से बच पाया है या नहीं, पर हमें इस दुर्घटना के लिए किसे दोषी मानना चाहिए? फेडरल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दोषी मार्शियंस हैं। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि मार्शियंस जो आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं वो मांगे भी गलत हैं, बच्चों की जिद है और इससे इंसानों की जिंदा रहने की जंग में हार का खतरा बढ़ सकता है। क्या आप और जानना चाहेंगे? ये सिर्फ हमारी सुरक्षा की बात नहीं है, हमारे कर्तव्य की है और हमारे भविष्य की है। सही कहा, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही सबका अधिकार है। ये तो अच्छा है, काफी अच्छा है। डैनियल। हाँ एमी। आज के आंकड़े क्या कह रहे हैं? आपकी अप्रूवल रेटिंग 82.5% तक पहुँच चुकी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, क्या बात है। ये ऐतिहासिक है, पहले किसी स्काई मार्शल को इतनी ज्यादा रेटिंग नहीं मिली। हाँ, पर अभी और बेहतर हो सकती है। लोग मार्शियन से जितनी नफरत करेंगे उतना ही आपको पसंद करेंगे। वैसे एक बात पूछूं, क्या हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं? तो मुझे बताओ, क्यू बॉम्ब तैयार है? हाँ, पर मैं नहीं जानता कि लोग अभी तैयार हैं या नहीं। वो तैयार है, बस वो ये बात अभी तक जानते नहीं। तो क्या मैं एक स्टेटमेंट तैयार रखूं? हाँ, और इस बार उसमें कुछ इंस्पिरेशनल लिखना, और अगर हो सके तो थोड़ा इमोशनल भी। सही कहा, क्योंकि सुरक्षित भविष्य ही सबका अधिकार है। अब सिर्फ एक चीज की कमी है, एक विलेन की। मार्स का गद्दार अभी तक सो रहा है, अपने हाई स्कूल के सपने देख रहा है। हाई स्कूल? सच में, क्या तुम सोच भी सकते हो कार्ल जेंकिंस हाई स्कूल में कैसा होगा? जगाओ इसे। तुम्हें कीड़ों से इतना लगाव क्यों है कार्ल? दरअसल दुश्मन को हराने के लिए उसे जानना जरूरी होता है और मैं रोज कोई नई चीज सीखता हूँ। और तुमने आज क्या सीखा? कि कोई मार्स पर हमला करवाना चाहता था। और वो कोई तुम नहीं हो, तुम जहाँ थे वहाँ से ये आसानी से कर सकते थे। एमी प्लीज, तुम मार्स के साथ क्या करने वाली हो? मैं उन्हें खुद को बर्बाद करने से रोक रही हूँ। एक क्यू बॉम्ब से? रियली, ये है तुम्हारा सॉल्यूशन? कम ऑन एमी, ये फेडरेशन के लिए है ना, या तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग्स के लिए? बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरी रेटिंग्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं है कार्ल, बस थोड़े से धमाके चाहिए और मेरी रेटिंग्स आसमान छू लेंगी। आराम करो और शो का मजा लो। क्या कीड़े वापस आ रहे हैं कर्नल? हाँ, हम पर नजर रखे होंगे, नजदीक आने से डर रहे होंगे कि हम उन्हें बॉम्ब से उड़ा ना दें। बस इन्हें बताना मत हमारे न्यूक्स खत्म हो चुके हैं। वो कीड़े इतने जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। यकीनन, वो भी हमारे न्यूक्लियर अटैक से तंग आ चुके होंगे। 45 डिग्रीज? नहीं नहीं। क्या कोई बता सकता है कि लेफ्टिनेंट बाबा क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो पुराने किस्म का रेडियो बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे मदद बुला सके। कहीं उसका मैसेज कीड़ों तक न पहुंचे, वरना हमारी तो खैर नहीं। ये मार्शियन नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ।
वाह, इसने तो मदद बुला ली। ये मार्शल नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ। जॉर्ज, ये मार्शल नेशनल गार्ड है, अपनी पहचान बताओ। शायद मैंने घर जाने का इंतजाम कर लिया है सर। मैं तुम्हारी काबिलियत पहचान नहीं पाया बाबा। क्या ये वाकई तुम हो? क्या बात है, मजा आ गया। तुम यहाँ मार्स के रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? हम कीड़ों का सफाया कर रहे थे जॉर्ज, और तुम? मैं हमारे जवानों को बचाने गया, पर वहाँ कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गए। तुम्हारा मतलब सब मर चुके हैं? कोई रेडियो पर जवाब नहीं दे रहा, मुझे लगता है सब नीचे खानों में छिपे बैठे हैं। हम पर बहुत बड़ा हमला हुआ। मैंने इतने कीड़े जिंदगी में कभी नहीं देखे। हाँ, और फिर भी वो हमसे डरते हैं। जाओ। मैं लैंड नहीं कर सकता। जाओ, शिप पर चढ़ जाओ। पेट्रोल्स का इस्तेमाल करो जल्दी। का सवाल और सबकी अपनी अपनी राय है। मार्स बेशक कीड़ों के कब्जे में है, एक क्यू बॉम्ब से सब ठीक हो जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। ग्रेविटी कम होने की वजह से बच्चे बेवकूफ पैदा हो रहे हैं और हम उन्हें प्यार से मार्शियंस कहते हैं। इस बात में दम तो है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी ग्रह युद्ध वगैरह जैसी गलत चीजों का प्रतीक हो उसे तो उड़ा ही देना चाहिए। काफी अलग आइडियाज थे, इन्हें काफी जानकारी है। मार्स एक छोटा सा बेकार प्लैनेट है जो सिर्फ अपने लाल रंग के लिए जाना जाता है। इस समस्या को देखने का ये अलग नजरिया है। चलिए पता करते हैं फेडरेशन की सबसे स्मार्ट वुमन का इस पर क्या कहना है। चलते हैं स्पेस कमांड। यूनाइटेड सिटीजंस फेडरेशन के देवी और सज्जनों, स्काई मार्शल एमी स्नैप। प्यारे निवासियों, हमारे सामने एक मुसीबत है। कीड़ों का मार्स पर हमला हमारे हाथों से बाहर निकलता जा रहा है। राजधानियों से संपर्क नहीं हो रहा, वहाँ काफी अफरा तफरी है। आपने सुना होगा कि फेडरेशन की फ्लीट इस बार उन्हें बचाने नहीं जा सकती, क्योंकि वो खुद अपने घर पर कीड़ों से निपटने में लगे हुए हैं। पर यकीन मानिए, घबराइए मत, हमारे पास हुक्म का इक्का बचा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द क्यू बॉम्ब। इसे मार्स पर इसी दिन के लिए लगाया गया था। नहीं, कीड़ों के हाथों एक कॉलोनी खो देने का आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगेगा, पर अगर आपने कभी लड़ाई देखी है तो आपको पता होगा कि इस जंग को जीतने के लिए दूर की सोच रखना जरूरी है। अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, और अपने आप से एक सवाल पूछिए। अगर मार्स उनके हवाले कर दिया तो वो अगला हमला कहाँ करेंगे? मैंने एक टीम तैयार की है जो जितने लोग हो सके बचा के मार्स से बाहर निकालेगी। हमें जल्द ही कुछ करना होगा इससे पहले
इससे पहले कि कीड़े हमारे अपनों पर हमला करने की सोचें। अब हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हम कीड़ों को ये लड़ाई जीतने नहीं दे सकते हैं। मैं उस कमीने की जान ले लूंगी। जॉनी, जॉनी उठो। जॉनी रिको, उठ जाओ। जॉनी, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? चलो उठ भी जाओ जॉनी। अच्छा ठीक है, क्या सच में? ओ जॉनी, ठीक लग रहा है क्या? मैं मर गया? ये क्या, क्या तुम डिस? मुझे पता था ये काम आएगा। तुम तो विस्की आउटपोस्ट पर मर गई थी, मतलब मैं भी मर गया हूँ, है ना? नहीं इडियट, पर तुम्हें सोता हुआ देख के यही लगता है। मैं कहाँ हूँ? अरे नहीं, मार्स, मैं मार्स पर हूँ। हाँ, मार्स को तुम्हारी जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि तुम काम पर लगो। हाँ, वो कीड़े। एग्जैक्टली, वो कीड़े। कितने अकलमंद हो तुम। मेरे ट्रूपर्स का क्या हुआ? लॉस्ट पेट्रोल का है? पानी, मुझे पानी चाहिए। वेल, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बहुत प्यास लगी है। पानी पी रहा हूं पर प्यास नहीं मिट रही। थोड़ा और पियो। तो क्या तुम भूत हो? नहीं। तो क्या मैं जिंदा हूं? क्या मुर्दे चल सकते हैं? नहीं। तो फिर चलते रहो। जाओ रिको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उठ रहा हूं। क्या तुम मरने वाले हो?
क्या? मैंने कहा क्या तुम मेरे सामने मरने वाले हो? नहीं। क्या नहीं? नहीं सर। तो फिर उठो और आगे बढ़ो। जी सर। कुछ समझ नहीं आ रहा, फेडरेशन कहाँ है? मुझे मत पूछो, मार्स नेट बैंड है, सब कुछ बंद है। अरे नहीं, कौन सा पायलट बिना फ्यूल भरवाए टेक ऑफ करता है? हाँ मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैं थोड़ा डरा हुआ था। अगर फ्लीट आए ही नहीं तो? वो जरूर आएंगे, उन्हें हमारे लिए आना ही होगा। क्या वो हम सबको यूं ही छोड़ देंगे और मार्स को भी? हम खुद मार्स को छोड़कर जाने वाले थे। तुम्हें लगता है फेडरेशन को यहाँ कुछ मार्शियंस की फिक्र होगी? कम से कम फिक्र करने का नाटक तो कर सकते हैं, हम अब तक फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। ये तुम क्या कर रहे हो बाबा? मैं अपनी लड़ाई की वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कनेक्ट ही नहीं हो रहा। कीड़ों की प्लाज्मा से सारी कॉम लाइन चल चुकी होंगी। तुम्हें यकीन है मैं जिंदा हूँ? ये सवाल पूछना बंद करोगे प्लीज? दरअसल मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। यकीन नहीं हो रहा? बहुत सी चीजों पर यकीन करना मुश्किल होता है जॉनी बॉय। तुम सही सलामत हो और फेडरेशन अपनी ही एक कॉलोनी को क्यू बॉम्ब से उड़ाने वाली है। क्यू बॉम्ब? तुम चाहती हो कि मैं उसे रोकूं? हाँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो। मेरी खातिर कर दो जॉनी प्लीज। ठीक है। ठीक है, तुम्हारी खातिर। गुड। लेकिन मैं जानता नहीं कि वो कहाँ है। ओ, वो मैं जानती हूँ, एक पुराने टेराफॉर्मिंग टावर के नीचे है, हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। जी सर। तुम्हें हाई स्कूल याद है? मुझे फुटबॉल याद है और एनलिस्टमेंट भी, बस उतना ही। और हाँ, वो जैंडर। जैंडर बड़ा कमीना था। तुम्हारे दोस्तों का क्या जॉनी? दोस्त? पता नहीं, थोड़े बहुत थे, पता नहीं अब वो कहाँ चले गए। अच्छा, और काल का क्या? कॉलेज के वक्त तो तुम बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? हाँ थे तो, पर उस बात को बहुत वक्त हो गया। काल अब बदल गया है, वो एक जनरल बन गया है, इसका मतलब कि मैं उससे दोस्ती नहीं रख सकता। मेरा मतलब उसकी गलती नहीं है, वो तो फेडरेशन को बचाने में लगा हुआ है। हाँ, पर थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। उम्मीद कम ही रखना। कम ऑन जॉनी, हम अब भी दोस्त हैं ना? जॉनी! क्या? Yeah.
किसी के भी दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की तो जान गवा बैठोगे, समझ गए? समझ गया, अच्छी तरह से समझ गया। ये कैसी बेहुदा हरकत थी कार्ल? अच्छी स्पीच थी एमी, तुमने तो सच में सबकी आंखें खोल दी। तो अगर तुम्हें अपने परिवार से प्यार है तो मुझे मार्स की धज्जियां उड़ाने दो। चुप रहो। लोगों को हर चीज की सफाई चाहिए होती है कार्ल, और उन्हें वही पसंद आता है जो उन्हें सच लगता है। ये कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, फेडरेशन का नेतृत्व करना जिम्मेदारी का काम है। नहीं, सारा खेल रेटिंग्स का है कार्ल, जो तुमने खराब कर दी। क्योंकि शायद मैं अपने दुश्मनों को जानता हूँ। जनरल कार्ल जेंकिंस, आपको गिरफ्तार किया जाता है यूनाइटेड सिटीजन फेडरेशन के साथ गद्दारी करने के जुर्म में। आज ठीक 4 बजे फेडरल काउंसिल के सामने तुम्हारी सुनवाई होगी, और अगर तुम्हें दोषी करार दिया गया तो वही तुम्हारा अंत होगा। तो क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो कार्ल? हाँ, मेरी बात मानो एमी, मार्स को मत उड़ाना, वहाँ के कीड़ों को मारो और फिर मार्स को उनके लोगों को लौटा दो। दिखा दो सबको कि असल में फेडरेशन का उद्देश्य क्या है। बहुत देर हो चुकी है, मार्स तो गया, और कुछ घंटों में तुम भी मर जाओगे, फिर मैं काम पर ध्यान दे सकती हूँ। और अगर कोई कॉलोनी बगावत करने की सोच रही होगी तो मार्स की तबाही देख कर वो दोबारा सोचेगी। इसे कहते हैं तहे दिल से बदला लेना। इन सब के पीछे तुम हो एमी, लेकिन तुमने सारा इल्जाम मुझ पे थोप दिया। तुमने मेरी नाक तोड़ दी, इसे सबक सिखाओ। अब तुम्हारी बारी है जॉनी। जॉनी, अरे नहीं, डेस, उसकी हवा टाइट कर दी। हाँ ट्रूपर, तुमने कर दिखाया। बैटरी खत्म हो गई, मैं हिल नहीं सकता। तुम्हें इस सूट से बाहर निकाले, आइडिया अच्छा है। दोबारा मिलकर अच्छा लगा जॉनी। हाँ, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। मुझे याद है हम आखिरी बार टैंको यूरेला में उस रात मिले थे, तुम जैसे मेरे लिए ही बने थे। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता था, और वो रात तो मैं नहीं भूल सकता जॉनी। सच में मन करता है जिंदगी वहीं रुक जाती। ओ जॉनी, अब मुझे रुला दोगे, तुम जानते हो मुझे इस बात से नफरत है। शुरुआत तुमने की डेज, और मुझे ये भी याद है कि मैंने कुछ गलत फैसले लिए थे। ओ चुप करो, तुमने जो किया सही किया जॉनी, सच में। वो रहा, वो पुराना टेराफॉर्मिंग टावर। हाँ वही है, और फटने के लिए तैयार है। मार्स को कौन खत्म करना चाहता है डिस, और क्यों? अफसोस, वो एक लंबी दुखी दास्तान है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकती। नहीं बता सकती डेज? तुम हमेशा की तरह कोई रास्ता ढूंढ ही लोगे जॉनी। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे नहीं, अब क्या हुआ? कर्नल रिको अभी तक जिंदा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है?
नहीं प्रॉब्लम नहीं, ये तो अच्छी बात है, पर इसका मतलब हम अपने एक साथी को छोड़ा है। और उन्होंने तो हमारी जान भी बचाई है। हाँ सही कहा, अब जान बचाने की बारी हमारी है, चलो वापस चलें। तुम्हारा मतलब वापस मार्स पर जाएंगे? हमें कर्नल रिको को बचाना ही होगा। हाँ चलो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो दोस्तों, तुम जहाँ जाने की बात कर रहे हो वो सीधा कीड़ों के बीच में जाने का एक तरफा रास्ता है। हम मोबाइल इन्फेंट्री हैं, इस नाम का कर्ज चुकाना पड़ेगा। हाँ क्यों करना है मत पूछो, पूछो क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, पर वहाँ हर जगह कीड़े हैं, बताओ मैं लैंड कहाँ करूँगा। तुम पायलट हो, किसी खाली जगह पे लैंड करवाओ। तुम्हारे दिमाग के अलावा खाली जगह है कहाँ? कीड़े, एक को मारो तो दस और आ जाते हैं। तुमने मरने के लिए अच्छा दिन चुना है। मरने के लिए अच्छा दिन है। ठीक है, संभल कर कर्नल। क्या? मिसाइल आ रही है। कर्नल क्या आप ठीक है? लेफ्टिनेंट बाबा, आपने सही पहचाना, हम जानते थे आपको कुछ नहीं होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। अब क्या करें? नहीं सब कूद जाओ, ये लैंडिंग अच्छी नहीं होने वाली। हे, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे? मैं एक बेखौफ मार्शियन योद्धा हूँ, तुम्हारे जितना ही अच्छा, या शायद तुम से भी बेहतर। सबके सब मरेंगे। सब
उस पार मिलेंगे दोस्त। वो काफी मजाकिया था और उसका अलविदा धमाकेदार था। हाँ कौन अल? आपको सही सलामत देखकर अच्छा लगा सर। हाँ हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, सिचुएशन क्या है लेफ्टिनेंट? दरअसल सर सिचुएशन तो बहुत खराब है, रेस्क्यू टीम की कोई खबर नहीं है और आपको भी हम यहीं छोड़कर जा रहे थे। फेडनेट से कोई कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा और फेडरेशन ने भी हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया है। हम मार्शियंस हैं इस वजह से? मेरी मोबाइल इन्फेंट्री में कोई मार्शियंस नहीं है, सिर्फ ट्रूपर्स हैं जो ऑर्डर्स मानते हैं। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए सर। गुड, हमारा अगला मिशन हमें अभी शुरू करना है, हमें उस टेराफॉर्मिंग टावर तक पहुंचना है। प्यारे निवासियों, आज हमारे लिए एक बहुत बुरा दिन है। मार्स पर अब कुछ नहीं बचा है, उसकी जमीन पर कीड़ों ने कब्जा कर लिया है। किसी के बचने की खबर नहीं है, ना मिलिट्री और ना ही कोई निवासी। और अब हम एक नाजुक मोड़ पर हैं। बहुत सोच विचार के बाद मेरे ख्याल से अब सिर्फ एक ही चारा बाकी है, हमें मार्स को तबाह करना होगा। कीड़ों के खिलाफ जंग सिर्फ बातचीत से नहीं जीती जा सकती, ना ही किसी कमेटी से और ना ही किसी पॉलिटिक्स से। वो जीती जा सकती है उन निवासियों की मदद से जो सही चीज करने की हिम्मत रखते हैं। वो मुश्किल फैसले लेने होंगे जिससे हमारी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, और तभी हमारी प्रजाति जिंदा रहेगी। ओ मार्स, तुम्हारी मूर्खता और तुम्हारे बचपने को हम माफ करते हैं। हम तुम्हें याद रखेंगे तुम्हारी वीरता और जिंदा रहने की जिद के लिए, और इज्जत करते हैं क्योंकि तुमने कीड़ों को अपनी सर जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। मार्स अमर रहे, युद्ध का देवता। मैं तहे दिल से तुम्हारी इज्जत करती हूँ, और स्काई मार्शल होने के नाते मैं उम्मीद करती हूँ तुम चैन से सो जाओगे और साथ ही कीड़ों का भी नामो निशान मिटाओगे। के लिए माफी चाहती हूँ स्काई मार्शल, पर किसी ने मार्स नेट के साथ गड़बड़ की है। निवासियों को ये पता होना चाहिए कि मार्स पर जंग अभी जारी है। क्या? नहीं कैप्टन, मेरा संपर्क सीधे फोर्ट किलो से है। मोबाइल इन्फेंट्री जिंदा है और अभी तक लड़ रही है। पर ये नामुमकिन है। तो खुद देख लीजिए स्काई मार्शल। हाँ है कर्नल रिको, हमें कीड़ों से लड़ते हुए यहाँ पर एक क्यू बॉम्ब मिला है। इसे गलती से किसी ने ऑन कर दिया, हम इसे बंद कर देंगे जल्द से जल्द। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ मार्शियन ट्रूपर्स यहाँ पर आ गए बिल्कुल सही वक्त पर। हम यहाँ आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और ढेर सारे कीड़ों को मारेंगे, है ना साथियों? बिल्कुल सही कहा। मार्स अब भी लड़ रहा है और जीत कर हम खाएंगे उन कीड़ों की तंदूरी। वो भी चटनी के साथ। नहीं नहीं, तो आप फिक्र मत कीजिए स्काई मार्शल, हम यहाँ पर हैं, हम डटे रहेंगे जब तक हम जीत नहीं चाहते।
निकलो। चलो फिर से शुरू करते हैं। पिकनिक पर निकले हैं। चलो इनकी पार्टी बर्बाद करते हैं ट्रूपर्स। सर, ऐसे तो हमें ये कीड़े नोच खाएंगे। जियो, अगर ये चीज तुमने शुरू की तो क्या होगा? आपका मतलब मौसम बदलना है? मेरा मतलब आसमान चीरने से है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? कोर को पावर तो मिल रही है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो कर दो, मुझे फुल पावर चाहिए। जाओ इसे ओवरलोड करो। मुझे 10 मिनट दीजिए। हे कमाचो, मदद करोगी? हाँ जरूर। लॉस्ट पेट्रोल, जियो को 10 मिनट चाहिए, तब तक इन्हें रोके रखो। 10 मिनट बाद क्या होगा? यहाँ बारिश होगी क्या? बारिश से कीड़ों को क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे हैं। वो रिएक्टर को ओवरलोड कर देंगे और वायुमंडल की धज्जियाँ उड़ जाएगी। तो फिर हमारा क्या होगा? ओ तेरी। सबकी पावर सप्लाई फुल कर दो। समझ गई। देखने में तो आसान ही लग रहा है। क्या बात है जियो। हाँ, अगर दुनिया तबाह करना अच्छा काम है तो तुम कभी ना कभी तो मरोगे ना लेफ्टिनेंट? हाँ, पर अभी मेरा मरने का मूड नहीं है। हम मार्स पर ही पले बड़े हैं, लेकिन कभी ऐसा तूफान नहीं देखा। की रक्षा कर रहा है। फेडरेशन के सभी लोग तुम्हें देख पा रहे हैं, तुम्हारी बहादुरी को भी। उन्होंने सही कहा, मेरा कैमरा फेडरेट से कनेक्टेड है। फेडरेशन को लग रहा था कि मार्स को नहीं बचाया जा सकता, पर इन ट्रूप अजारून के लीडर जॉनी री को सहमत नहीं लग रहे। ये मैं हूँ। ये मैं हूँ। क्या मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं होता ये सामने देखो। हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे कर्नल। हमें ब्रिज तोड़ना होगा। नहीं, अभी नहीं, जियो कहेगा तब। खराब मौसम के लिए खेद है। ये वाला आखिरी स्विच था। ये हुई ना बात। लो हो गया, ये टावर अब एक बड़ा सा बॉम्ब बन गया है। बहुत खूब ट्रूपर्स, लॉस्ट पेट्रोल का हर सदस्य आज एक हीरो है। मैं इन यादों को मरते दम तक नहीं भूलूंगी, यानी अगले 5 मिनट तक। काम हो गया, ब्रिज गिरा दो। जॉब से लॉस्ट पेट्रोल, कीड़ों को मजा चखाओ। जियो, हम ऊपर आ रहे हैं, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाएंगे? कहाँ से निकल जाएंगे? मेरे पीछे आओ। जियो, हमारे पास कितना वक्त है? शायद 8 मिनट। शायद? भाई मजाक तो नहीं कर रहा? ओह,
हमेशा मुझे क्यों नोच खाते हैं? नहीं, ओ डच, कीड़ों को ही कुछ ज्यादा ही टेस्टी लगता था। ये क्या है? अच्छी खबर नहीं है लेफ्टिनेंट, अब हम क्या करेंगे कर्नल? चलो जाओ के अंदर। और अब क्या करेंगे? सबको खत्म करो और क्या। सही कहा, हम मोबाइल इन्फेंट्री हैं, हम हार नहीं मानते। कर्नल, यहाँ पर कीड़े हैं। कीड़े यार, जहाँ जाओ वहाँ आ जाते हैं, कमीने पीछा ही नहीं छोड़ते। उड़ा दो सबको। रीलोड, संभल कर। इधर, ऊपर आ जाओ। ये जगह फटने वाली है। चलो ट्रूपर्स, हम अब भी यहाँ से निकल सकते हैं। ये तो हर जगह है। यहाँ बहुत सारे कीड़े हैं, हम बचकर कैसे निकल सकते हैं? क्या पता, पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और तुम क्या अपने आप को हीरो समझते हो? हाँ, क्योंकि एक हीरो हमेशा घर वापस जाता है। क्या बात कही है लेफ्टिनेंट, अगर मैं आज जिंदा बच गया तो इस बात को टैटू करवाऊंगा और शायद तुम्हें अपनी टीम में भी ले लूं। क्या बात है, लगता है तुम सबको इसमें मजा आने लगा है। क्या ये तुम हो कामिन? हाँ। कहाँ हो तुम? अभी नीचे आ रही हूँ, पर इस मौसम की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। इस तूफान में स्पेसशिप उड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं कामिन, तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं इन्हें रोकता हूँ, उन्हें मार के लाओ। बाहर चलो। कमिन, यहाँ पर। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? लैंड करने की जगह नहीं है और इस तूफान में मैं ज्यादा देर स्पेसशिप नहीं उड़ा पाऊंगी। तुम ठीक हो? हाँ शायद। कर्नल, क्या हुआ? अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है, शायद उससे भी कम। कर्नल, अब तुम्हें क्या हुआ? वहाँ देखिए, टावर की दूसरी तरफ वो कीड़े ऊपर आ रहे हैं। हाँ, मैंने देख लिया कमांचो। तुमने सुना कामिन, वक्त नहीं है, हैच खोलो और हमारे करीब आओ। प्लान क्या है? जितना कहा गया है वो करो। बस एक सीधा सा सवाल था। चलो ट्रूपर्स, कूदो। मैं नहीं कर सकता सर। क्या मतलब नहीं कर सकते? क्या तुम यहाँ मरना चाहते हो? वन, तुम जाओ। लेडीज फर्स्ट। अरे कूदो भी। गधा का एक का। शुक्रिया। अब मेरी बारी। सब ठीक है लेफ्टिनेंट, अब तुम्हारी बारी है, करो या मरो।
मेरा फ्यूल खत्म हो चुका है कर्नल। आप मेरे बिना चले जाएं। आप जाइए कर्नल। ऐसा नहीं होगा लेफ्टिनेंट, तुम घर जा रहे हो और ये मेरा ऑर्डर है। शिप को नीचे लो। समझ गई। बहुत खूब ट्रूपर। पकड़ लिया। चलो इस प्लैनेट से निकलते हैं। कसकर पकड़ो ट्रूपर्स। टावर कभी भी फट सकता है। This movie is encoded by TuneWorld for all.me. Oh, hey guys. Carl, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये कुर्सी तो स्काई मार्शल के लिए है ना? वो दरअसल कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर है। मैं तो बस कुछ दिनों के लिए उसका काम संभाल रहा हूँ। मुझे स्काई मार्शल बनने का कोई शौक नहीं है। तो क्या एमी स्नैप ये सब करके बच जाएगी? इसे पॉलिटिक्स कहते हैं जॉनी बॉय। तुम ये जानते थे ना कि मार्स पर कीड़े थे और फिर भी तुमने ये सब होने दिया? कामिन, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? वेरी फनी। लेकिन ये एक ऐसी जंग है जो कभी खत्म नहीं होगी। कीड़े कभी हार नहीं मानेंगे और अगर हमने मान ली तो हम खत्म। कुछ हजारों सालों तक हम इंसान एक दूसरे से बेवजह की चीजों के लिए लड़ते रहे और फिर एक दिन हमने तारों को छूने की सोची। क्या सोचा था हमने? क्या हश्र होगा इन सब का? वैसे सोचना तुम्हारा काम है कल, मैं बस ऑर्डर फॉलो करता हूँ। अच्छी बात है। अब जाओ और मार्स को उन कीड़ों से आजाद करो। हो जाएगा ना जनरल रिको? यस सर। क्या हुआ? तुमसे मिलकर हमेशा खुशी होती है कार। हमारे चारों तरफ आ रहे हैं। ऑफिसर आ रहे हैं। आराम से। तुम सब में एक ऐसी खास बात है जो किसी और में नहीं है। तुम सब वहां से जिंदा वापस आ गए। मुबारक हो ट्रूपर्स, तुमने मुझे चौंका दिया। तुम्हें अपनी इन्फेंट्री में लेना मेरे लिए गर्व की बात है। हम पार्टी करने जा रहे हैं सर, हमारी जीत के नाम। आप आएंगे? शुक्रिया, मुझे नींद की जरूरत है। शायद इसीलिए इन्हें लोग दद्दू कहते हैं। लेफ्टिनेंट, तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर सर। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्काई मार्शल स्नैप ने मार्स पर कीड़े भेजे ताकि उसे मार्स को तबाह करने की वजह मिल जाए? क्या आप सच कह रहे हैं सर? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि सभी को अपने हक की लड़ाई लड़ने का मौका मिलना चाहिए और खास करके मार्शियंस को। ये एक मार्शियन दूसरे मार्शियन से कह रहा है, अच्छा काम किया लेफ्टिनेंट, हम उन्हें कल फिर मारेंगे। मैदान में मिलते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। हाँ, हम मैदान में मिलेंगे। ठीक है लेफ्टिनेंट।
स्नैप क्या जानती है और उसे वो कब से पता है? एंटी फेडरल एक्टिविस्ट मार्स्को ने एक सवाल पूछा है। फेडरल ओपिनियन पोल के हिसाब से गाय मार्शल स्नैप की अप्रूवल रेटिंग पर सवाल उठे हैं। कोई उनकी होशियारी पर शक नहीं कर रहा, पर क्या वो नेतृत्व कर सकती हैं? चलिए मार्स्को से ही पूछते हैं। What did Snap know and when did she know it? Snap know and when did she know it? ऑफिसर आ रहे हैं। आज हम कीड़ों के एक बेस का पता लगाएंगे और सबको मार देंगे। तो ट्रूपर्स कीड़ों को मारने के लिए तैयार? हुआ!